बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज साथियों हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, वो है साथियों भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक। अब साथियों इतिहास की पुस्तक का रिव्यू हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यह है साथियों संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित किरण पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण गाइड। अब साथियों इससे पहले हमने कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक का रिव्यू किया है वो मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले, इससे पहले साथियों हम इतिहास का ये जो NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल की ये और ये विश्व वाली दोनों का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और साथियों इतिहास को पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास में टाइम मैनेजमेंट आपको सुव्यवस्थित तरीके से करना आना चाहिए। उसके लिए साथियों ये डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक बहुत ही प्यारी गाइड है, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट। अब साथियों इन सभी पुस्तक के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी देने वाला हूं साथियों, जो है दिशा पब्लिकेशन की 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं। अगर साथियों किसी भी वनडे एग्जाम में आप शामिल होने वाले हैं या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये दिशा पब्लिकेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। काफ़ी विस्तार के साथ दिया गया है, ये 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों। इसको एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और उसके बाद में साथियों एक और मनोहर पांडे की जो कि सामान्य अध्ययन 2021 लेटेस्ट वर्जन है साथियों, काफ़ी बड़ी गाइड है। इसके अंदर भी इतिहास के बारे में और प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। ये तो साथियों अलग अलग पुस्तक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब चलते हैं सबसे पहले उस पुस्तक के पास जो हमने इस वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि हम आज इस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास। अब साथियों इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें पढ़ने चाहिए। अब आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में है। अब साथियों आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी इच्छा है और आपके पास में समय है तो ज़रूर लिखें कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और उसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपको छोटा सा कष्ट करना होता है, एक बटन को टच करने के लिए लाइक हो जाता है वीडियो, और हमें बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है आपके लाइक से। क्योंकि साथियों ये जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं उनके पीछे मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम मोटिवेट होते हैं आप जैसे हमारे परिवार के जो सदस्य हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा को लेकर के हम इन वीडियो में उपस्थित होते हैं। आज साथियों हम जानकारी लेने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास इस पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है, जिसमें साथियों आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग का मानचित्र। अब इस पुस्तक के अंदर प्राचीन भारत के अंदर जितने भी व्यापारिक मार्ग थे, कौन कौन से मार्ग से व्यापार करने के लिए हमारे भारत में पहुंचे थे, उन सब मार्ग का मानचित्र यहाँ पर इस गाइड में दिया गया है। उसके बाद साथियों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो पूरा स्थल है उनका मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में साथियों मुगल साम्राज्य अकबर 1605 ईस्वी का मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। 1857 का जो विद्रोह है उसके समय भारत का जो मानचित्र है
उसके बारे में विस्तार के साथ इस गाइड में दिया गया है। 16 महाजनपद व उनकी राजधानी मानचित्र के माध्यम से इस गाइड में दिखाई गई है। अब मानचित्र के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो साथियों आप बोरिंग भी नहीं होते हैं और आपको किसी भी टॉपिक को याद करने में आसानी होती है। तो ये इसका परिचय। उसके बाद में साथियों यहाँ पर महाजनपद का परिचय दिया गया है। प्राचीन भारत के जो इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत है उनको जानकारी इसमें दी गई है साथियों। उनके बारे में ताम्र पाषाणी काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, उसके बाद साथियों आप यहाँ पर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, इनके बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। 16 महाजनपद के बाद में साथियों यहाँ पर आप पढ़ेंगे मगध राज्य का जो उत्कर्ष है उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है। मौर्योत्तर काल के बारे में, संगम युग के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। गुप्त साम्राज्य के बारे में साथियों इस गाइड में जानकारी दी गई है। गुप्तोत्तर काल के बारे में और पूर्व मध्य काल के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन हुए थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। पूर्व मध्य काल जो कि साथियों 800 से 1200 ईस्वी तक पूरी जानकारी दी गई है। दक्षिण भारत का इतिहास, चोल साम्राज्य, ये पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर साथियों इनको बताया गया है। उसके बाद में हम प्रवेश करते हैं खंड बै के अंदर, यानी सेकंड पार्ट जो कि है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में साथियों आप पढ़ेंगे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को, उसके बाद में साथियों उत्तर भारत और दक्षिण के जो प्रांतीय राजवंश है उनके बारे में इस गाइड में विस्तार के साथ दिया गया है। दक्षिण भारत का नाम आते ही विजयनगर साम्राज्य को आप कैसे भूल सकते हो, तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी गई है। उसके बाद में साथियों हिंदू इस्लामी जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी दी गई। 15वीं और 16वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन थे उनके बारे में इस पुस्तक में विस्तार के साथ बताया गया है। मुगल साम्राज्य, मुगल प्रशासन, मुगल कालीन वित्तीय व्यवस्था के बारे में जानकारी इस पुस्तक में दी गई है साथियों। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मुगल कालीन संस्कृति और कला, कला और संस्कृति इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है साथियों। विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो दिया गया है यहाँ पर। मराठा राज्य का उदय और उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। उसके बाद में खंड सी में यानी पार्ट थर्ड में आप जब प्रवेश करते हो तो वहाँ पर आता है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी इतिहास के तीनों पार्ट, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक में पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी गई है साथियों। तो यहाँ पर आप देखिए आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में साथियों सबसे पहले आप पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और जो नवीन स्वायत्त राज्य हैं उनके उदय के बारे में इसमें विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत में जो आगमन हुआ था उसके बारे में इस पुस्तक में विस्तार के साथ दिया गया है, जिसके अंदर साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में आप जानकारी इस पुस्तक से लेंगे। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा वो भी जानकारी इसमें दी गई है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था साथियों उसके बारे में जानकारी दी गई है। अन्य जो जन आंदोलन थे कब से कब तक, 1757 से लेकर 1858 के बीच में जितने भी विद्रोह हुए थे जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में विस्तार के साथ इस पुस्तक में दिया गया है। उसके बाद साथियों आप पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय किस प्रकार से हुआ वो पूरी जानकारी इस गाइड में दी गई है साथियों। उसके बाद आप देखेंगे साथियों यहाँ पर भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण है उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई, किसान विद्रोह आंदोलन इनके बारे में जानकारी दी गई साथियों, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संवैधानिक विकास, ये पूरी जानकारी साथियों आपको मिलेगी इस एक ही गाइड के अंदर जो कि साथियों इतिहास की एक महत्वपूर्ण गाइड है अपने आप में। उसके बाद साथियों जैसे ही अपना
भारत के इतिहास के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस पुस्तक के अंदर आधुनिक विश्व का इतिहास भी दिया गया है। उसके बाद साथियों आप यहां पर आधुनिक विश्व के इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे पहले साथियों मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो कि 1964 से लेकर अब तक है, 1947 से 1964 और 64 के बाद अब तक का पूरी जानकारी इसमें दी गई है, जिसमें साथियों रियासतों का एकीकरण है, भारत का संविधान प्रारंभ, आर्थिक विकास, भारत का वैज्ञानिक विकास, विदेश नीति और गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही गाइड में मिलेगी। अब साथियों इस गाइड की मुख्य विशेषता क्या है, जिस प्रकार साथियों मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि ज्योग्राफी समझने के लिए मैप का इसी प्रकार आपको सदुपयोग करना है, तब जाकर ज्योग्राफी समझ में आती है। इतिहास भी उसी प्रकार से है साथियों। सबसे पहले साथियों इस गाइड की जो खासियत है आपको मैं बताने वाला हूँ, ये है साथियों प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग जो यहाँ पर विस्तार के साथ मैप में समझाया गया है। उसके बाद में साथियों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो पुरा स्थल है उनके बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ मैप के माध्यम से इस पुस्तक में समझाया गया है। यहाँ पर देखेंगे साथियों आप तो मुगल साम्राज्य 1605 जो कि अकबर, इससे संबंधित पूरी जानकारी इसमें मैप के माध्यम से भी दी गई, आगे भी अच्छे से समझाया गया है। 1857 की क्रांति के समय भारत किस किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर नक्शे के बारे में और अलग अलग रियासतों के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। भारत के अंदर जो उस समय 16 प्रमुख महाजनपद थे उनकी राजधानी कहाँ कहाँ पर थी, पूरी जानकारी इसके अंदर मैप के माध्यम से दी गई है। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है, यानी साथियों ये एक ऐसी महत्वपूर्ण गाइड है जिसको पढ़ने के बाद इतिहास का जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसलिए आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हो। अब साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके पास ये किरण पब्लिकेशन की गाइड है या फिर ये जो महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार है, इनमें से आपके पास में कौन सी गाइड है, किस गाइड से आप तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद में साथियों आगे आपको मैं आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो महत्वपूर्ण गाइड है स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी छोटी सी जो है आपके लिए इतिहास की एक पुस्तक के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। अगर साथियों आप इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की बुक का रिव्यू चाहते हो तो पॉलिटी की 20 से 21 या 22 पुस्तक का वीडियो रिव्यू किया गया है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। उसी प्रकार ज्योग्राफी की भी 22 पुस्तक का रिव्यू किया गया है। हिस्ट्री का जो है वो साथियों कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यानी 27-28 वीडियो बनेंगे अलग अलग बुक के, वो भी आने वाले समय में आपको मिलने वाले। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद, नए जोश और नई आशा की किरण के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।